चक्रवाती तूफान डिमाल ने परेशानियां बढ़ा दी है। अगला 48 घंटा खतरे से खाली नहीं है। सुंदरवन से जो तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है उसके मायने बहुत बड़े हैं, यानी तटीय इलाकों में जो लोग अभी भी खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं उन्हें अपने अपने घरों में रहने की जरूरत है, या फिर अगर एकदम नदियों के किनारे उनका घर है, ये सुंदरबन के इलाके की मैं बात कर रही हूं जहां से अब तेज तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है, उनको जल्द से जल्द अपने घर को खाली करने की जरूरत है। एनडीआरएफ की टीमें हो या कोस्ट गार्ड टीमें हो, इन सभी को अलर्ट पे रखा गया है और एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर उतर भी चुकी है। अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूं तो फ्लाइट्स को लेकर यह नियम सामने आ चुका है कि 9 से 10 घंटे तक कोलकाता से लेकर बागडोगरा तक कहीं से भी कोई फ्लाइट मूव ना करे और ना ही उड़ान भरे ना ही लैंडिंग हो, ये पहले से ही गाइडलाइंस तय कर दिया गया है। इस बीच परेशानियां बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमाल तूफान का खतरा कितना ज्यादा है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूं। तकरीबन बताया ये जा रहा है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तकरीबन 120 घंटे की प्रति रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है जो खतरे से खाली नहीं है। बीते साल भी हमने कोलकाता सहित जो बंगाल के अलग अलग जिले हैं वहां पे ऐसे ही हालात देखे थे। दीघा से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें बहुत परेशान कर रही थी और ठीक एक साल बाद रिमाल तूफान की वजह से चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। टीमें ग्राउंड पर उतर चुकी है, उसमें कौन कौन से जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा चुनौती है उसकी भी मैं बात करती हूं। कोलकाता, हावड़ा, नदिया जिला, पूर्वी मेदिनीपुर, ये वो इलाके हैं जहां को लेकर खतरा बहुत ज्यादा है और इन इलाकों के लोगों को वहां समंदर की लहरें नहीं है बल्कि जो आसपास की नदियां हैं उसमें ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले इस चक्रवात तूफान से बहुत ज्यादा लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और इसीलिए गाइडलाइंस ये है कि आप किसी भी तटीय इलाके पर ना जाएं, किसी भी सूरत में ना जाएं। अगर आपको कोई जरूरत हो तो भी आप एनडीआरएफ की टीमों से बात करें, लेकिन खुद अपने घर खतरे को दावत ना दें, मुसीबतों को दावत ना दें। ये गाइडलाइंस अभी तक सामने आ चुका है। तेज बारिश होने की संभावना जाहिर की जा रही है, तेज तेज हवाएं चलेंगी और इसकी चपेट में उस दौरान अगर आप आ जाते हैं तो मुसीबतें चौगुनी बढ़ जाएगी और यही वजह है कि गाइडलाइंस इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि आप घर से किसी भी सूरत में बाहर ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखें, आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें और मूवमेंट बंद होगा तभी इस खतरे को आप टाल पाएंगे। उत्तरी ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो वहां को लेकर भी गाइडलाइंस आ चुके हैं कि वहां भी इन हवाओं का, तेज हवाओं का, मूसलाधार बारिश का या ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का असर हो सकता है और इससे उत्तरी ओडिशा का जो इलाका है वो भी अछूता नहीं रहने वाला है। लेकिन परेशानी सबसे ज्यादा कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर और इसके अलावा नदिया जिले के लोगों को होने वाली है। तो ये सभी लोग जो एनडीआरएफ की टीमें गाइडलाइंस दे रही है, स्टेट लेवल की जो एसडीआरएफ की टीमें होती है उनके जो गाइडलाइंस है इसको जरूर फॉलो करें। बहुत जरूरी है कि इस चक्रवात तूफान से आप निपटें और कहीं से भी जान माल के नुकसान की खबर ना सामने आए, जो अमूमन हमने देखा है तूफान के वक्त में होती है। रिमाल तूफान से कैसे पार पाना है ये वक्त वक्त पर हम आपको गाइड करते रहेंगे।